7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हिमालय संपूर्ण विश्व के लिए एक अद्भुत अविस्मरणीय मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य से परिपूर्ण आत्मिक शांति सुकून और प्रसन्नता देने वाले स्वर्ग के समान है। रोमांच की तलाश में निकले लोगों के लिए ये दुर्लभ भौगोलिक परिदृश्यों का ठिकाना है तो प्रकृतिवादियों के लिए वनस्पतियों और जीवों का खजाना और संस्कृति प्रेमियों के लिए आध्यात्मिक उत्थान और सौंदर्य के रसास्वादन का स्रोत। शिवालिक नाम से जाने जाने वाले बाहरी हिमालय, हिमाचल नाम से प्रसिद्ध मध्य हिमालय और हिमाद्री कहलाए जाने वाले विशाल हिमालय का विस्तार समान रूप से भारत के 11 राज्यों में फैला है। इन सभी 11 राज्यों में लगभग एक जैसे सांस्कृतिक परिवेश का कारण कहीं न कहीं इनकी भौगोलिक समानता ही है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का राउफ नृत्य हो, हिमाचल प्रदेश का नाटी शुंतो और डांगी हो, उत्तराखंड का छोलिया हो, अरुणाचल प्रदेश का बारदो छम हो, मणिपुरी नृत्य हो या फिर असम का बिहू और बागुरुम्बा, मेघालय का नांगरेम लाहो हो या त्रिपुरा का होजगिरी, सिक्किम का मास्क नृत्य हो, नागालैंड में जेलियांग जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य हो या फिर मिजोरम का खल्लम चेलम और चेराव, सब में आपको लगभग एक जैसी संस्कृति की ही झलक मिलेगी। इन सभी राज्यों के लोग हिमालय को अपने रक्षक और जीवन दाता के रूप में पूजते हैं। सभी समुदाय अत्यंत धार्मिक, प्रकृति पर निर्भर और शांति प्रिय है। हकीकत यह है कि केंद्रीय हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर पूर्वी राज्यों के जैसी ही चिंताओं, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। फिर चाहे वह ग्लेशियरों का पिघलना हो, वनों की कटाई हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी हो या फिर एक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र की भू राजनीति हो जो कई देशों की सीमाओं तक फैलती है। अधिकांश भारतीय जो हिमालय में नहीं रहते पहाड़ों को एक संसाधन और आध्यात्मिक पूर्ति के स्रोत के रूप में मानते हैं। हालांकि यह एक तथ्य है कि हिमालयी लोग दुनिया को आनंदपूर्ण जीवन जीने और प्रतिकूलताओं से निपटने के कई सबक सिखा सकते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यह क्षेत्र सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों में से है और सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करता है। विकास के सकारात्मक प्रभावों से हिमालयी लोग अछूते रह गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों और मैदानी इलाकों के बीच का अंतर और विकराल हो गया है। हिमालय निस्संदेह एक ऐसा कैनवास है जिस पर प्रकृति ने जी भर कर प्रचुर मात्रा में चटक रंग बिखेरे हैं। पर्यटन के आकर्षण केंद्रों से समृद्ध यह क्षेत्र पर्यटन राजस्व का स्रोत तो है ही, गर्म इलाकों में रहने वालों के लिए और गर्मी से राहत पाने की लालसा रखने वालों के लिए यह एक खूबसूरत माध्यम भी है। हिमालय की बर्फीली चोटियां और ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे विशालकाय नदियों में से बहुत के जन्मदाता है, इसीलिए इसे दुनिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। और इन्हीं नदियों की वजह से दक्षिण एशिया के मैदानी इलाकों को ईंधन और इमारती लकड़ी, खनिज, पनबिजली, चारा, रेजिन, पौधों के तंतु और दवाइयां आदि भी मिलते हैं। हालांकि यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 18% है और देश की लगभग 3.8% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, परंतु 45,000 वनस्पति प्रजातियों के साथ भारत के 47% जंगल यहाँ हैं और 90,000 जीव जंतु प्रजातियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की 40% वन्य प्रजातियों का ये घर है। वनाच्छादन के कारण जैव विविधता, कृषि उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान इस क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं जो न केवल लाखों पर्वतीय लोगों की स्थायी आजीविका को खतरे में डालती हैं, बल्कि आसपास के इंडो गैंगटिक मैदानों की बड़ी आबादी को भी प्रभावित करती हैं। हिमालय क्षेत्र की पृथकता और अलगाव के चलते इसके निवासियों की आवाज़ अनसुनी रह जाती है। लगभग 7 करोड़ साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से जन्मा हिमालय एक भूगर्भिक चमत्कार है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के 67 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ने के कारण हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, जिससे यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से अस्थिर और भूकंपीय रूप से सक्रिय है। अनुमान है कि अगले 1 करोड़ वर्ष में इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एशिया में 1500 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी, जिससे हिमालय का बढ़ना अनवरत जारी रहेगा। वनों की कटाई से हिमालय का विशाल क्षेत्र बंजर हो रहा है, जिससे कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है और बार बार सूखे एवं बाढ़ की मार इस क्षेत्र को झेलनी पड़ती है। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध यह क्षेत्र अभी तक अपना 70% प्राकृतिक वास खो चुका है, परिणाम स्वरूप इसकी वनस्पति और जीव गंभीर खतरे में है। कई प्रजातियां तो विलुप्त ही हो चुकी हैं और कई की तादाद मानव जनित प्रभावों और जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से घटती जा रही है। मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर आज सभी हिमालयी राज्यों को काम करने की आवश्यकता है। हिमालय क्षेत्र में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दूसरे से काफी दूरी पर गांव बसे हुए हैं,
जो जलवायु और संरचनात्मक प्रतिकूलताओं के कारण दुनिया से कटे हुए हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, स्वच्छता, परिवहन, संचार आदि बुनियादी सुविधाओं और आधारिक संरचना की कमी है। आजीविका के अवसरों और नौकरियों तक सीमित पहुँच के कारण पलायन अभी भी जारी है। एकीकृत प्रयास से विकास को स्थायी बनाकर रिवर्स माइग्रेशन शुरू किया जा सकता है। गैर कृषि क्षेत्र में लघु और सूक्ष्म उद्यम गरीबी से बाहर निकलने का संभावित मार्ग है, लेकिन ऐसे उद्यमों के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल आधार की कमी है जिस पर मिलकर काम किया जा सकता है। आज हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी हिमालयी राज्यों की समृद्ध जैविक और सांस्कृतिक विरासत हमेशा के लिए बनी रहे। मिलकर हमें वनों के संरक्षण के साथ साथ पहाड़ी आजीविका की रक्षा करनी होगी। हम सभी को क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल माउंटेन सिटीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि वर्तमान में क्षेत्र और राष्ट्र दोनों की प्राथमिकता और आवश्यकता है। जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सीमित हैं। सरकारों और नीति निर्माताओं द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि जो विकास की योजना आज हम बना रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हितकारी हो। एक टीम के रूप में एक साथ काम करना समय की जरूरत है। एकजुट होकर इन चुनौतियों का मुकाबला करने से अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमें संभवतः ज्यादा समय नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।